हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसका नाम क्या है, ईटीएम मनके तथा अस्थियां, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यानी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस अध्याय में जो है कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है एक एक टॉपिक को जो है समझाएंगे, विद इसमें नोट्स भी आपको यानी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको पूरी तरह से एंड तक बने रहना है, काफी मजा आने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका हिस्ट्री का जो है ना कितना चैप्टर है, 12th क्लास हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर की अगर संख्या की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको 15 चैप्टर है, ठीक है। और इसमें 15 चैप्टर में पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, ईटीएम मनके तथा अस्थियां, तो हर एक चैप्टर को आपको इसी तरह का जो है फुली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यानी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। और जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप इस नंबर पर एक बार मैसेज हाय हेलो लिख के सेंड करेंगे, आपको जो है ग्रुप में एड कर दिया जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें, अगर आप हिस्ट्री रखे हैं तो ऑब्वियसली आपको इतिहास के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आपका हिस्ट्री यानी 12th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल आपको जो है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई पूछ देता है और आप जवाब दे नहीं पाते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपको इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है, इतिहास का परिभाषा बताइए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इन सब चीजों का आपको जो है जवाब आना चाहिए। तो बच्चों, हर एक चीजों को हम जो है आपको बारीकी से समझाने वाले हैं, तो आप लोग जो है ना बिल्कुल नोट करते चलिएगा और कॉपी और कलम के साथ बैठिए। हमेशा आपको हम एडवाइस करते हैं कि आप लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिए, एक एक चीजों को जो है पॉइंट वाइज आप नोट करते चलिएगा, ओके। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं इतिहास के बारे में, है ना। तो देखिए, इतिहास जो है ना ये तीन शब्द से बना है, जो क्या है, इति जोर हास जोर आश, यानी इतिहास ये तीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या, निश्चय, जिसका अर्थ होता है क्या। और ये जो किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा से बना है। और ग्रीक के लोग इसको क्या नाम से पुकारते थे, हिस्ट्री नाम से पुकारते थे, जिसका मतलब क्या होता है, पूछताछ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी हिस्ट्री को जो है किस, ये किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, यानी पूछताछ, ठीक है। यानी अगर किसी चीज के बारे में हमें अगर जानकारी लेना हो, है ना, किसी भी चीजों के बारे में, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। तो ये जो है क्या है, यही पूछताछ है। यानी इतिहास के बारे में हमें जानने से पहले क्या करना पड़ता है, इतिहास किसे कहा जाता है, यानी बीती हुई कहानी को हम लोग इतिहास कहते हैं। अब इतिहास के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो क्या जानेंगे, ऐसे तो जान नहीं सकते हैं, हम लोग पूछेंगे ना तब ना हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं। तो यही है आपका इतिहास, यानी वहां के लोग इसको क्या कहते थे, हिस्ट्री के नाम से यानी पुकारते थे, ठीक है। तो यहाँ आपका आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया, इतिहास के बारे में आपको समझ में आ गया, ये किस भाषा से बना, तो ये ग्रीक भाषा शब्द से बना है, और ये किस कौन सा, इति जोर हास जोर आश, यानी ये तीन शब्द से मिलकर बना है। तो आराम से आप लोग इसको जो है नोट करते चलिएगा, ओके। चलिए देखिए, समय आपको मिलेगा नहीं दोबारा, क्योंकि अभी आपके पास समय है एग्जाम का, तो आप जो है एक एक चीजों को जो है पॉइंट वाइज आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें हम लोग आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सारा चीज आपको यानी प्रोवाइड करवाएंगे, ना आपको किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाला है ना, ये सारा चीज आपको जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इतिहास, इतिहास का परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए इतिहास क्या है, यानी इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या है, तो आप हम लोग जानते हैं कि हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि इतिहास यानी बीती हुई ज्ञान को इतिहास कहते हैं, है ना। लेकिन इसमें हम लोग कुछ और ऐड करते हैं और इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं कि इतिहास का परिभाषा कुछ अलग जो है प्रो लेवल से हमें जो है समझना चाहिए। देखिए, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि यानी बीती हुई कहानी को, जैसे मैंने बताया आपको ना कि बीती हुई कहानी को जो है इतिहास कहते हैं। तो हम लोग अगर बीती हुई कहानी आज से हजारों साल पीछे, यानी कि हम लोग कहानियों को जो है अध्ययन करते हैं, वहां के बारे में जानते हैं, वहां के लोग किस तरह जो है रहते थे, वहां का किस तरह का विकास था, उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये किसके माध्यम से जानते हैं, तो इतिहास, यानी इतिहास के माध्यम से जानते हैं और इतिहास कहते हैं, इसी को ही जो क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास अतीत घटनाओं का अध्ययन है, अतीत घटनाओं का अध्ययन जो व्यक्ति लोगों और समाज के लेकर संपूर्ण सभ्यता तक हम लोग इसको जान सकते हैं। हम लोग किसी व्यक्ति या वहाँ के पूरे सभ्यता के बारे में भी जो हम लोग यानी किसके माध्यम से जान सकते हैं, तो इतिहास के ही माध्यम से जान सकते हैं, ओके। जब आगे देखिए, हम लोग इसमें और पॉइंट है, ये एक अनुशासन है जो देखता है कि अतीत ने हमारे वर्तमान दुनिया को कैसे आकार दिया है। देखिए, हम जो है यानी किसी पिछले घटनाओं को देख करके जो है हम लोग वर्तमान में जो है किसी भी चीजों का अगर फैसला लेने से हमें जो है काफी जो है मतलब क्या होता है, निर्णय लेने में हमें काफी जो हेल्प करता है, ठीक है। यानी पिछले घटनाओं को देख करके जो हम लोग किसी भी चीजों का जो है निर्णय लेने में हमें जो है बहुत आसानी होता है ना, किसके माध्यम से, इतिहास से हमें जो है किसी भी चीजों के बारे में निर्णय लेने में हमें क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। देखिए, इतिहास ये समझने के लिए
वे समय के साथ कैसे बदला, है ना। हम लोग इतिहास को ये भी देखेंगे कि इतिहास समय के साथ कैसे बदला, विभिन्न संस्कृतियां जैसे संस्कृतियां विश्वास और प्रथाओं की जांच भी जो है जांच भी करता है। इतिहास जो है ये सारे चीजें की भी जांच भी करता है कि आज से हजारों साल लोगों का जो है संस्कृतियां कैसा था, वहां के विश्वास, वहां के प्रथा किस तरह चल रहे थे, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है किसके माध्यम से, इतिहास के बारे में, है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, आपको देखिए ये भी नॉलेज होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट इतिहास है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इतिहास का पिता यानी किसे कहा जाता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं इतिहास का ना पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है ना। बिल्कुल याद रखिएगा, इसका जन्म कब हुआ था, 484 को इसका जन्म हुआ था। ये एशिया के माइनर के, है ना, हेलिकाइनेसिस में हुआ था इसका, ठीक है। और ये जो क्या थे, रोमन दार्शनिक यानी सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक जनक अथवा इतिहास का पिता कहा था। किसने कहा था, ये जो है सिसरो ने जो है इसको हेरोडोटस को यानी इतिहास का जनक कहा था, ठीक है, यानी इसको पिता कहा था। ओके, तो देखिए इतिहास के बारे में ये बेसिक नॉलेज आपको, आई होप उम्मीद है कि ये चीजें आपको जानकारी हो गया होगा, ठीक है। तो आपको कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग जो है इतिहास के बारे में जान ले कि इसका जनक किसे कहा जाता है, इतिहास किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जान लिए। अब हम लोग चलते हैं ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, पहले उससे पहले आपको जो है ना कुछ मोटिव आपको जान लेना है। देखिए अगर हम किसी चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले ना उसके बारे में हम लोग जानना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें जो है पढ़ना है, होना किन किन चीजें जो हमें मेरे एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों को देखते हुए हम लोग जो है पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या है, इतिहास में हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर जो आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, वहाँ का संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, एंड वहाँ जो बहुत सारे नगरों का जो है मतलब क्या हुआ था, यानी खोज हुआ, उन सब नगरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं नगर मोहनजोदड़ो, चंद्रोत्तरो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपर, आलमगीर आदि अनेक नगरों की जो है खोज की गई थी। ये पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। देखिए आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक चार प्रमुख सभ्यताओं में से एक था। देखिए पहले जो इससे पहले क्या लोग जानते थे कि जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये जो है सबसे बड़ा सभ्यता है। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब पता चला कि इन तीनों सभ्यताओं से बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता है ना। देखिए उस मतलब यहाँ जो यहाँ के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, आज से 5000 साल पहले एक सभ्यता हुआ करता था, जैसे कि अभी हम लोग जी रहे हैं, अभी जैसे हम लोग जा रहे हैं, इसी तरह का एक सभ्यता हुआ करता था, वहां के लोग इसी तरह से रह रहे थे। आखिर वो सभ्यता कैसे, उस सभ्यता का पतन हुआ, आखिर उस सभ्यता का मतलब कैसे वहां के लोग रहते थे, संस्कृति वहां की कैसी थी, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है इस अध्याय में जो है कवर करेंगे। ओके, देखिए भारतीय सभ्यता के ये सभी प्रारंभिक नगर थे, इन सभी नगरों का जो है पुरातात्विक ने उत्खनन किया था, यानी जो है पुरातात्विक के द्वारा जो है खोजा गया था इन सभी नगरों का, ठीक है। चलिए इससे इनकी अपनी कहानी लिखी गई थी, इन प्रारंभिक नगरों को जो है पुरातात्विक उत्खनन एवं यहाँ प्राप्त हुई सामग्री एवं सभ्यता की विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय में जो है करने वाले हैं। ये सभी चीजों के बारे में जो है इस अध्याय में जो हम लोग यानी कवर करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें जो छूट गया, मैं वो सारा चीजें जो है आपको बताएंगे आगे, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल आप लोग जो है ना थोड़ा प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं, एकदम बारीकी से आराम से आपको समझ रहे हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के, ठीक है। चलिए देखिए अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेते तो आपको हमें उम्मीद है कि आपको दोबारा फिर ये चैप्टर को देखने की जरूरत आपको कहीं से नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी आज से पहले, आज से 5000 साल पहले की बात है कि वहां जो है लोग जो है रहते थे, है ना। वो पहले ऐसे माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक था। जैसे कि मैंने बताया जब इसकी खोज हुई तब पता चला कि ये सबसे बड़ा सभ्यता है। जब 1921 में दशक हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, हड़प्पा का खोज सबसे पहले कब हुआ था बच्चों, तो याद रखिएगा इसका खोज 1921 में किया गया था, है ना। ये ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसे कोई सभ्यता नहीं है। इस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, है ना। आखिर क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, तो आगे आप लोग जो है बने रहिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप ये देखिए यह एक नगरीय सभ्यता थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था, एक नगरीय सभ्यता थी या एक ग्रामीण सभ्यता था, तो बच्चों आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक नगरीय सभ्यता था, ठीक है, जो किसमें फैला हुआ, त्रिभुजाकार क्षेत्रों में यह फैली हुई है, ठीक है, है ना। हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, ये पूरी सभ्यता जो है त्रिभुजाकार क्षेत्रों में फैली हुई है ना। तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गया, हम लोग जो है किन किन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ से, आपको तो आई होप इन चीजों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, है ना।
हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, इससे पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पा का खोज कैसे हुआ था, है ना, इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। जैसे कि आपका हेडिंग में आप यहाँ देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ था, है ना, ओके। तो इनको हम लोग देखते हैं। जब देखिए, जब 1856 में कराची से लाहौर, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, कराची से लाहौर यानी रेल लाइन जब बिछाया जा रहा था, यानी जैसे पटरी देख पा रहे हैं, इस तरह का जब रेल लाइन के बिछाने के दौरान हुई खुदाई में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था, जॉन ब्रंटन एवं विलियम नामक अंग्रेज जो है, कुछ जो है पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ, यानी कुछ उन लोगों को चीजें प्राप्त हुआ था, है ना। तब उन चीजों को देखकर वो बताया, यह स्थान आधुनिक समय में कहाँ है, पाकिस्तान में, या अभी जो वर्तमान है जहां की बात कर रहे हैं, या अभी कराची पता है ना लाहौर, ये पाकिस्तान में ही है, यह यहाँ स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में। उन अंग्रेजों ने इसे खंडर समझ लिया था, तो समझ रहा था कि जो अंग्रेजों को जो कुछ अवशेष मिला, तो उन लोग समझ रहा था कि क्या ये जो है कुछ, क्या ये खंडर समझ लिया उसको, और यहाँ की हजारों ईंटें, है ना, इस हजारों ईंटों को जो है क्या कर दिया, उखाड़ कर जो है यहाँ से ले गए, है ना, सभी लगभग बहुत सारे जो ईंटें वहां से उखाड़े और ईंटों को उखाड़ करके जो है लेके चले गए। इन ईंटों का इस्तेमाल जो है रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। जब रेल लाइन बिछा जा रहा था तो उस टाइम जो है इस मतलब ईंटों का जो है प्रयोग किया गया उसका, लेकिन वह यह नहीं जान सका कि यहाँ कोई सभ्यता थी। ये आखिर ये वो नहीं जान पाया कि आखिर ये ईंटें कहाँ से आया या ये घर कैसे बन रही हुए, इन सब चीजों को उन लोग जो है इग्नोर किया और उस टाइम वो ध्यान से नहीं दिया, इन चीजों को नहीं देखा, ठीक है। तो ये जो है उखाड़ कर ये क्या किया, यहाँ से ले गया, ठीक है। तो अब हम लोग फिर आगे इन चीजों को देखते हैं। तो ये आप देखिए हड़प्पा का खोज कैसे हुआ, जब 1856 में क्या कराची से लाहौर में रेल लाइन बिछाने के दौरान कुछ अवशेष प्राप्त हुआ, तब जो है उस मतलब क्या वहां देखा कि हाँ ये जो है कुछ अवशेष मिला, तब इसका जो है क्या किया, इसको फिर शोध किया, और शोध करने के बाद पता चला कि यहाँ कोई एक सभ्यता हुआ करता था, है ना, तो जो है इसका मतलब क्या हुआ, यानी खोज हुआ। अब हम लोग फिर आगे इसका पॉइंट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, यानी इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा बच्चों, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप जो है नोट करनी है, यानी हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका है। और ये एक्चुअल में रियल में पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हैं तो आपको ये इससे सवाल आपको बनता है। देखिए, इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान में हुई थी, यानी हड़प्पा नामक स्थान में हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। देखिए, इसमें सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जब 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज हुआ था, इसलिए सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा ही था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा बच्चों, हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको कोई डाउट क्लियर हो गया कि इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था इसलिए उसका नाम हड़प्पा पड़ा। देखिए, सिंधु ये सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता। आप देखिए, आप लोग ये भी जानते हो ना, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो सभ्यता जो थी, ये पूरी सभ्यता जो फैली हुई थी, ये सिंधु घाटी नदी के किनारे फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ओके, यहाँ भी आपका क्लियर हो गया डाउट, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। जो हड़प्पा सभ्यता जो था त्रिभुजाकार क्षेत्रों में जो फैला हुआ था, वो सभ्यता आखिर कहां से कहां तक फैला हुआ था, उनको हमें देखना है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था, रंगनाथ राव महोदय। इसके अनुसार अगर देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है पूरब से पश्चिम तक कितना किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक, यानी क्या था, यानी फैली हुई थी, यानी पूरब से पश्चिम तक कितना, यानी 1600 किलोमीटर तक, यानी फैली हुई थी, है ना, ये वेस्ट ईस्ट, ये कितना किलोमीटर तक फैली हुई थी, 1600 किलोमीटर तक, एंड और ये जो किलोमीटर तक फैली हुई थी, एंड उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1100 किलोमीटर तक जो है ये फैली हुई थी, ये चीज आपको याद रखना बच्चों, है ना। चलिए, परंतु उत्तर में जो है सरायकेला आदि स्थलों की प्राप्ति ये हाँ से यह सीमा और बढ़ गया था, यानी ये सीमा जो है और बढ़ गया था, ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो था ये किस कैसे आकार में फैला हुआ था, तो आपको बताना है कि ये त्रिभुजाकार में फैली हुई थी, ठीक है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया आपका, है ना। चलिए, अब ये जो कुछ समय पूर्व विद्वान ने बताया कि ये जो है कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसमें 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में जो हड़प्पा सभ्यता जो है क्या, यानी फैली हुई है। तो ये मोटा मोटी चीजें आपको जो है याद रखनी है, इससे आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जो है ना एकदम तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं बच्चों, अब हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल तो अलग अलग बुक में अलग अलग, आप अगर नोट्स वगैरह जहां देखेंगे तो आपको अलग अलग देखेंगे, लेकिन हमें और आपको किसको फॉलो करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी को हमें और आपको फॉलो करना है, और हम लोग क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन तो आता है, ठीक है। तो देखिए, उसके अनुसार कितना है, 2600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक, ये चीज याद रखिएगा, है ना।
तो इनको भी जो आप लोग है ना इसका काल को एकदम बिल्कुल आप जो है ईयर को याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से आपका सवाल बनता है। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें एक पॉइंट और आता है, कार्बन 14 विधि। आप बताइए कार्बन 14 विधि किसे कहा जाता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से जो है सब्जेक्टिव भी बनता है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है, दीर्घ उत्तर में भी क्वेश्चन रहता है, लघु उत्तर में भी रहता है, लेकिन यहाँ आपको हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, ये कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं, ये आपको सवाल पूछ सकता है, कार्बन 14 विधि क्या है ना, कार्बन 14 विधि के बारे में वर्णन करें, तो आप इसको क्या करना है, ये देखिए तिथि निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक विधि है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 14 विधि कहते हैं। इसका खोज 1940 में हुआ था, है ना, यानी किसी भी वस्तु का हम लोग क्या करते हैं कि उसका तिथि का निर्धारण करते हैं कि यह वस्तु कितना प्राचीन है, यानी कितना पुराना वस्तु है, इसमें इसके बारे में हम लोग जो है जानकारी पाते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा जो है मौजूद होती है ना, यानी किसी भी जीवित वस्तु में क्या कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा जो है सामान्य मात्रा में पाई जाती है। देखिए जब किसी वस्तु का डेथ हो जाता है, यानी जब मर जाता है, तो देखिए कार्बन 14 जो है क्या लगता होना, 6 होने लगता है, यानी धीरे 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 खत्म होने लगता है, जितना यानी कार्बन 14 की मात्रा कम पाया जाएगा उतना ही वो प्राचीनतम वस्तु होगा, प्राचीनतम वस्तु होगा, वो क्या होगा, प्राचीनतम वस्तु होगा, उतना ही ये पुराना वस्तु होगा, है ना, ओके। और ये कार्बन 12 जो है वो बिल्कुल जैसे का तैसे ही रहता है, ये कार्बन 12 कुछ नहीं होता है, ये जैसे का तैसे रहता है, लेकिन कार्बन 14 जो है धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, घटने लगता है। अगर जितना कम पाया जाएगा तो समझ जाइए कि वो कार्बन 14, मतलब जितना अगर कम पाया जाएगा तो उतना ही आप वो समझ जाइए कि वो वस्तु जो है उतना ही ये क्या है, ये पुराना है, ओके। तो ये कार्बन 14 विधि के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, हम लोग जानेंगे हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तु, यानी जब हड़प्पा का खोज किया गया, हड़प्पा में खुदाई किया गया, तो किन किन वस्तु जो है, कौन कौन सा वस्तु प्राप्त हुआ था, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला हम लोग बात करते हैं हड़प्पा के बाद किसका खोज हुआ था, मोहनजोदड़ो। इसका खोज कब हुआ था, 1921 में खोजा गया था, और इसका खोज किसने किया था, दयाराम साहनी नहीं, इसका राखलदास बनर्जी ने किया था। ये किस नदी के किनारे था, तो ये सिंधु नदी के किनारे था, है ना। तो यहाँ मोहनजोदड़ो को जो है सिंध भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो क्या था, सिंधी भाषा का शब्द है, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है बच्चों, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, जिसे सिंध का बाग भी कहा गया, है ना। यहाँ से जो मोड़े मिली थी पुजारी का सिर, यहाँ क्या मिला था, पुजारी की सिर। आपसे अगर कहा जाएगा पुजारी का सिर के अवशेष कहाँ मिला था बच्चों, तो आपको बताना क्या, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। उसके बाद क्या, मोम के सांचे, क्या मिला था, मोम के सांचे भी जो है कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से मिले थे। कांसे की नर्तकी, यानी कांसे की नर्तकी यानी नाचती हुई मूर्ति मिली वहां, ठीक है। सभागार मिला था, ठीक है। सीप मिला था, सीप का पैमान मिला था। सूती कपड़े का भी जो है साक्ष्य मिला था, कहाँ से मिला था, ये मोहनजोदड़ो से ही मिला था, ठीक है। उसके बाद पानी का जहाज का भी अवशेष मिला, हाथी का कपाल मिला था, शिलाजीत आदि, ये सभी जो है कहां से मिले, ये मोहनजोदड़ो से मिले बच्चों, इसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां से आपका सवाल बनता है, ओके। अब हम लोग चलते हैं हड़प्पा से, हड़प्पा से क्या क्या मिला था, यहाँ ठोस पहिए वाली गाड़ी मिली थी, है ना, लकड़ी का हल, गेहूं मिला था, RS-37 कब्रिस्तान, शंखा बैल, तांबे की जो है मोहड़े, मटर व तिल की खेती, है ना, खेती के प्रमाण एवं खरगोश के चित्र वाली जो है मुद्रा आदि जो है भी प्राप्त हुआ था। कहाँ पे प्राप्त हुआ था, ये सभी जो है बच्चों हड़प्पा में प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब हम लोग बात करते चंद्रहुद्रो, इसके बारे में बात करें चंद्रहुद्रो में, तो बच्चों चंद्रहुद्रो में क्या मिला था, मनके बनाने का जो है कारखाना, है ना। चंद्रहुद्रो में क्या मिला, मनके बनाने का कारखाना, आटा पीसने वाली चक्की, तराजू, बैलगाड़ी आदि जो है कहाँ से मिला था, वो चंद्रहुद्रो से मिला था, ओके। ये चीजें आप जो है नोट कर लीजिएगा, ओके। अब हम लोग बच्चे बात करते लोथल, लोथल कहाँ पे है, ये तो आप सभी को पता है कि गुजरात में है लोथल। अब लोथल में क्या क्या चीजें मिला था, इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ से जो है फारस, यानी फारस की मोड़ी, धान वो बाजरे की खेती के प्रमाण मिले थे, है ना। उसके बाद प्रमाण मिले थे, उसके बाद आटा पीसने वाली चक्की का भी यहाँ जो प्रमाण मिला था, हाथी का दांत की कुत्ते की मूर्ति यहाँ से मिला था, बकरी की हड्डी, बंदरगाह आदि का जो है अवशेष मिला, कहाँ से, लोथल से मिला था अवशेष, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते बच्चों कालीबंगान, कालीबंगान का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, है ना, इसका अर्थ भी आपको समझना है। यहाँ से क्या मिला था, तो बेलनाकार मोहरे भी मिला था, है ना, लकड़ी की नाली मिली थी, हल से जुते खेत का साक्ष्य मिला, एंड भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण आदि जो है यहाँ कहाँ से मिला था, कालीबंगान से मिला था, ओके। तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो गया, यानी क्या मिला था कालीबंगान से, तो बेलनाकार मोहरे मिला था, लकड़ी की नाली मिली थी, हल से जुते खेत मिले थे, ये सारा जो है कहाँ से मिले थे, कालीबंगान से। भूकंप के भी अवशेष जो है कहाँ से मिला था, ये है हम लोग जो है कालीबंगान से, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह का जो है आपको जो है
वहां से अवशेष जो है प्राप्त हुआ था। ये सारे अवशेष आप लोग देख सकते हैं, है ना, ये आपको जो चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं अब क्या देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की सीमा। देखिए जैसे अपना बिहार है ना, बिहार में हम लोग का पूर्वी में क्या है, वेस्ट बंगाल है ना, जैसे उत्तर में क्या है, नेपाल है। तो इसी तरह का भी जो हड़प्पा सभ्यता को तो कुछ सीमा तो होगा ना, तो उसके बारे में भी हमें तो जानना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या है, उत्तर में जो था हड़प्पा सभ्यता का, उत्तर की सीमा जो था इसका सरायखेला यानी सरायखोला और क्या था यानी गुमला घाटी डाबरकोट, यहाँ तक ये जो है फैली हुई थी, ठीक है। उसका दक्षिण सीमा की बात किया जाए तो मालवन भागवत राव और ये नर्मदा घाटी तक ये फैली हुई थी, कौन सी है, दक्षिणी सीमा। एंड पूर्वी सीमा जो थी आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे तक, ये जो है क्या थी यानी फैली हुई थी। और पश्चिमी सीमा की अगर बात किया जाए तो ये सुतकांगडोर यानी मकरान का समुद्री तट तक ये फैली हुई थी, ओके। तो ये हड़प्पा सभ्यता की सीमा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ तक फैला हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, यानी हड़प्पा सभ्यता जब खोजा गया तो उसको नगर, देखिए हड़प्पा सभ्यता को एक नगरी सभ्यता कहा जाता है तो हम तो जानते हैं, लेकिन ये भी आपको जानना है कि आखिर नगर नियोजन तो था यानी किस तरह का था, वहां का जो नगर जो था किस तरह का फैला हुआ था, किस तरह का वहां का योजनाबद्ध तरीके से जो बनाया था वो कैसा सभ्यता था, नगर आखिर नगर ये सभ्यता उसको क्यों कहा गया, ये सारा चीज आपको जो है डाउट यहाँ से क्लियर होने वाला है। मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा बच्चों, देखिए आपको जो है ना क्लास में एंड तक बने रहना, तभी जो आपको ना समझ में आएंगे, ठीक है। आपको कहीं भी देखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट भाई आपका जो है कवर करते चलते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। देखिए इसमें नगर योजना की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा संस्कृति के सर्वप्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन था। जैसे कि बताए कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक नगरीय सभ्यता था, तो ये इसका क्या था, नगर नियोजन था। इसका सर्वप्रमुख विशेषता क्या था, तो नगर नियोजन था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई एवं पूर्व तथा पश्चिम में दो जो है क्या टीला मिला, यानी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से ये पता चला है कि जो है पूर्व और पश्चिम में दो टीला मिला था, जो पूर्वी टोला में, पूर्वी टीला में क्या था, नगर था, है ना, और तथा पश्चिमी टीला में दुर्ग स्थित था। दुर्ग में जो वो लोग रहते थे जो बड़े बड़े साहूकार पैसे वाले लोग जो है पश्चिमी टीले में रहते थे, यानी पूर्वी टीले में रहते थे, ठीक है ना, और पश्चिमी टीले में, पश्चिमी तथा पूर्वी टीले का जो है दुर्ग में स्थित था, यानी पश्चिमी टीले दुर्ग में स्थित था। चलिए मोहनजोदड़ो का प्रमुख विशेषता उसकी समतल चौड़ी एवं सड़कें। देखिए नगर नियोजन ये क्या था, वहां की जो है ना दूसरा विशेषता क्या था, वहां की सड़कें एक दूसरे को जो है ना समकोण पर काटती थी, एक दूसरे सड़क को जो है समकोण पर काटती थी। कहाँ की विशेषता बता रहे आपको, मोहनजोदड़ो की, है ना, चौड़ी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी तथा जिसे हम जो है पुराविदों ने राजपथ कहा, यह सड़कें की चौड़ाई 2.75 से आपका 3.66 मीटर तक जो है ये जाल पद्धति के आधार पर जो है नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को क्या काटते थे, समकोण पर काटती थी। मैंने जैसे बताया आपको ये एक दूसरे सड़क को किस तरह पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, ठीक है। चलिए जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था, यानी इससे जो है क्या, यानी जब समकोण का रोड काटती है उससे कई खंडों में विभक्त हो गया था, ओके। चलिए इस पद्धति को जो है क्या कहा गया, ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया था। इसको बच्चों क्या नाम दिया गया था, ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया था। सड़कें मिट्टी के बनी थी, यानी सड़कें किसकी बनी होती थी, मिट्टी की बनी होती थी, एवं इनकी सफाई की समुचित व्यवस्था, गलियां भी जो है खुली तथा चौड़ी थी, जो है मतलब साफ सफाई के लिए जो नाला वगैरह बनाया गया था उसका साफ सफाई के लिए भी जो है बहुत अच्छे से जो है समुचित व्यवस्था रखा गया था, ओके। तो ये भी आपका क्लियर हो गया है ना, हाँ। चलिए अब जल निकासी, देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी का प्रणाली था, वहाँ के लोग जो है जल निकासी जो है कैसे करते थे, जो अपने घर से जब बिल्डिंग से जब पानी निकासी जो है वहाँ का कैसे करते थे, तो देखिए मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता यहाँ के जो है क्या अधिकांश भवनों में क्या थी, निजी कुआं व स्नानागार होते थे, यानी सबका जो है क्या होते थे, निजी कुआं होते थे, है ना, निजी घर होते थे, है ना। तो ये सारा जो है क्या था, वहाँ का निजी जो है व्यवस्था थी, वहाँ के कुआं स्नानागार होते थे। तो जल निकासी के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे स्नानागार के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, स्नानागार के बारे में। देखिए मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल था, है ना, स्नानागार जो था कहाँ का, मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल था, कौन, स्नानागार, है ना। चलिए ये सरकारी हुआ करता था, यानी सबके लिए हुआ करता था, एंड ये बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था जो यहाँ दिया हुआ है। विशाल दुर्ग, यानी जो इसका जो आपको देखिए इसका लंबाई चौड़ाई वगैरह सारा चीज इसमें दिया हुआ है, विशाल स्नानागार, ये फुट 39 फुट एंड इतना मीटर आपका लंबा हुआ करता था, चौड़ा ये सारा मीटर इसका दिया हुआ है, कितना मीटर तक चौड़ा होता था, लंबा होता था, ये सारा डिटेल्स जो स्नानागार के बारे में दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा होता था, ठीक है। ये सार्वजनिक होता था, सबके लिए होता था, ओके। चलिए हाँ, आवाज में थोड़ा सा अगर आपको डाउट ये लगा होगा, मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा सा अपना आवाज को थोड़ा बढ़ाइए, है ना, आपको प्रॉपर आवाज आएगी।
ना? चलिए चलिए, बिल्कुल। आप देखिए, वहां का जो अन्नाघर, यानी अन्नाघर मतलब समझ रहे हैं, जहाँ अनाज रखा जाता है उसको अन्नाघर कहते थे। और अशनानागर के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा, अशनानागर किसको कहा जाता है, जहाँ लोग नहाते हैं, है ना, जहाँ नहाते थे उसको अशनानागर कहते हैं, है ना। हम लोग जो अभी वहाँ बाथरूम वगैरह हम लोग बोलते हैं ना, तो उस तरह मतलब अशनानागर तो अभी हम लोग जानते हैं, जहाँ नहाने का स्थान को जो है अशनानागर कहते हैं। ये इस तरह का वहाँ सुविधा था। और ये अन्नाघर, अन्नाघर जहाँ हम लोग अनाज रखते हैं, ठीक है, अनाज जो रखते थे, इसका जो चौड़ाई मोहनजोदड़ो में जो है 45.72 मीटर लंबा था एंड 22.86 मीटर चौड़ा था। ये अन्नाघर मिला था, है ना, अन्नाघर मिला था। ये सारा चौड़ाई वगैरह लंबाई वगैरह सारा चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ ईंटें भी जो है मिला था। ईंट का जो है लंबाई चौड़ाई के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के नगरों में कई जो है पकी हुई ईंटों का प्रयोग भी यहाँ के नगर नियोजन की एक अद्भुत विशेषता थी, है ना। यहाँ की जो क्योंकि वो जो नगर नियोजन था, सब जो पक्की ईंटें जो है, मतलब ईंटे के घर सबका था, तो यहाँ के ईंटे का भी लंबाई चौड़ाई आपको जो है बिल्कुल अलग, एक अद्भुत था, एक आश्चर्यजनक था। तो यहाँ की जो क्या चतुर्भुजाकार होती थी, मोहनजोदड़ो के प्राप्त सबसे बड़ी ईंटें, जो कितना 51.43 x 26.27, यानी लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई इतना इसका हुआ करता था। और सामान्य जो यानी नॉर्मल जो ऊंचाई होता था सबका ईंटे का, तो 27.94 से लेकर 13.47 97 एंड आपका 6.35, इसकी जो है क्या यानी ईंट की प्रयुक्त होती थी। तो ये जो था यानी ईंट के बारे में आपको समझ में आ गया कि हरप्पा सभ्यता का ईंट भी जो एक प्रमुख विशेषता वहां का था, ईंट का, ये जो सारे मकान जो ईंट के बने बने होते थे, और वहाँ के ईंटें जो है इतने बड़े बड़े होते हुआ करते थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, अन्नागर के बारे में बता दिए, अस्नानागर के बारे में बता दिए, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, उम्मीद है ना। आपको अगर आवाज वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बताइए, फिर मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग तो वो चीज देख लिए, यहाँ का नगर नियोजन किस तरह का था, ये सारे चीज तो हम लोग यहाँ के पॉइंट वाइज तो हम लोग समझ लिए, वहाँ का नगर कैसा था, है ना, वहाँ नगर में क्या क्या चीजों की सुविधाएं थी, ये सारा चीज हम लोग देखे। अब हम लोग देखेंगे बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक जीवन, ओके, सोशल लाइफ। जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो सोशल लाइफ था वो कैसा था, वहाँ के लोग जो समाज में रह रहे तो कैसे रह रहे थे, इन सब चीजों को हमें देखना है, ओके। देखिए, हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषताएं थी। अगर हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। वहाँ के लोग जो है शाकाहारी भी थे, मांसाहारी थे। जो मांस मछली खाते उसको मांसाहारी कहते, जो शाकाहारी जो साग सब्जी खाते उसको शाकाहारी कहते थे। तो ये शाकाहारी भी हुआ करते थे और मांसाहारी भी हुआ करते थे, कहाँ के, हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है। उसके बाद खुदाई से प्राप्त हुई सुई के अवशेष संकेत देता है, वहां से जो है मतलब किसका संकेत मिला, सुई के भी जो अवशेष मिला, तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है कपड़े भी जो है पहनते थे और वो जो सिलते थे और वस्त्र को सिल करके भी पहनते भी थे। ये तो आपको समझ में आ गया है ना। चलिए आगे हम लोग देखिए, इसमें केश विन्यास प्रचलित थी, यानी केश विन्यास का मतलब समझ रहे हैं, यानी जो है अपना जो है श्रृंगार करते थे, ठीक है, यानी बालों को अच्छे से मतलब क्या करते थे, श्रृंगार करते थे। स्त्रियां जोरा बांधती थी, है ना, स्त्रियां जो अपने बालों पर जोरा बांधती थी एंड पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ सब रखते थे, क्योंकि उससे अवशेष से पता चलता है ना। तो ये सारे चीजें जो अवशेष मिला था, कहाँ के बारे में बता रहे आपको, ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। एकदम पॉइंट वाइज आपको पढ़ना बच्चों, एकदम कहानी की तरह आपको जो है बिल्कुल याद हो जाएगा, बहुत आसान भाषा में। इस सभ्यता के लोग जो है आभूषण के शौकीन थे, आभूषण मतलब गहना पहनने का शौक था, ठीक है। लड़कियां जो है जो अभी वर्तमान में पहनते हैं, पायल हो गया, है ना, टीका हो गया एंड बहुत सारे जो जितने सारे गहने हैं, ये सारे तो सब जानते हैं, गहने गहने में सारा चीज आ जाएगा, यानी आभूषण के भी जो वहाँ के लोग जो है शौकीन थे। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है आभूषण पहनते पहना करते थे। श्रृंगार प्रसाधन भी हड़प्पा वासी का शौकीन था, ठीक है। चलिए, इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी और शंख आदि के बने होते थे, यानी जो है इनके जो ये सारे चीजें बने होते थे, आभूषण जो बने होते थे एक महंगे पत्थर के बने होते थे, शंख के बने होते थे, हड्डी वगैरह दांतों से भी जो है ये बने होते थे, बहुत महंगे होते थे, ठीक है। चलिए हम लोग जान लिए वहाँ का सोशल लाइफ, यहाँ का सोशल लाइफ कहाँ के बारे में जाने, हड़प्पा सभ्यता का सोशल लाइफ कैसा था, ये सारा चीजें आप लोग पॉइंट वाइज आपको समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों किसके बारे में जानेंगे, यहाँ का धार्मिक जीवन, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वहाँ के धर्म को लेकर के जो है किस तरह का था, या वहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते थे या सभी एक धर्म को मानने वाले थे, ये सारी चीजें आपको जो है फिर यहाँ इसमें हम आपको देखेंगे दिखाएंगे, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल इंट तक बने रहना बच्चों, है ना। आप लोग जो बच्चे लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, ओके, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए, धार्मिक जीवन की अगर बात किया जाए तो धार्मिक जीवन सौरभ की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है। आखिर वहाँ के धार्मिक जीवन जो है जीवन का अगर महत्वपूर्ण अगर बात किया जाए तो हड़प्पा संस्कृति में
मिस्र तथा अथवा मेसोपोटामिया की तरह का कोई भी जो मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है ना। देखिए हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा जैसे मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है मंदिर मस्जिद का ये सब चीज का क्या अवशेष मिला था, लेकिन यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता में ना मंदिर का ना गिरजाघर ना मस्जिद ना चर्च यानी किसी भी चीजों का जो है यहाँ अवशेष प्राप्त नहीं मिला ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों को यानी पुरातत्व माता देवी की मूर्ति मानते हैं, यानी मूर्ति का जो यहाँ क्या मिला था यानी अवशेष मिला, तो इसे ये पता चलता था कि यहाँ के लोग जो है मातृ देवी को पूजते थे। ओके है ना, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया है ना। उसके बाद देखिए एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाई पड़ा, यानी एक स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ निकलने का एक अवशेष प्राप्त हुआ था, इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है यानी पूजा करने का भी शौकीन था। मौके जो वैज्ञानिक थे इसके अनुसार मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है ना हड़प्पा सभ्यता की बहुसंख्यक पत्थर अथवा मिट्टी के बर्तन हैं बनी लिंग योनि की प्राप्त लिंग पूजा कर संकेत देता है। देखिए यहाँ क्या मिला था यानी जो हड़प्पा से जो है क्या मिला किसका अवशेष मिला, तो सबसे पहले लिंग का अवशेष मिला, तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है लिंग का भी पूजा करते थे एंड योनि का भी यानी योनि का भी जो अवशेष मिला तो शायद योनि का भी पूजा किया करते होंगे है ना। चलिए तो ये सारे संकेत मिला था ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग इन सब चीजों के जो है पूजा किया करते थे। ओके चलिए ये लोग वृक्ष विशेषता पीपल की पूजा करते थे क्योंकि वहाँ के पीपल के वृक्ष का भी अवशेष जो इससे मिल रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है पीपल के पेड़ का भी पूजा करते थे क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा से मुद्रा पर दो जुड़वा पशुओं के जो भी शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियां दिखाई गई, तो वहाँ इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है यानी पीपल के पेड़ के भी जो है पूजा करते थे ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ से जो कुबर वाला बैल के विशेष पूजनीय था है ना, कुबर वाला बैल के भी अवशेष मिला, तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग कुबर वाला बैल का भी पूजा किया करता था है ना। चलिए आगे देखिए नाग पूजा भी करता था, यानी जो नाग जो अभी जिस तरह पूजा करते थे उस टाइम भी नाग का पूजा क्या करता था क्योंकि वहां से अवशेष मिला है। बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज है ना, ये ताबीज जो पहनते हैं है ना गले में, तो ताबीज का भी संकेत देता है कि लोग तंत्र मंत्र में भी जो है विश्वास करते थे, यानी तंत्र मंत्र भी लोग का भी जो विश्वास रखता है, ताबीज वगैरह का भी अवशेष मिला है, तो इससे पता चलता है कि इन सब चीजों पर लोग जो है विश्वास रखते थे ठीक है। तो ये सब चीजों का जो है क्या मिला अवशेष मिला। ओके चलिए इकोनॉमिक लाइफ वहाँ का आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे, कहाँ का आर्थिक जीवन की बात करेंगे हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के, हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीजों को जो है ना समझना है बच्चों। ओके चलिए तो देखिए अगर हम इसकी बात करें आर्थिक जीवन का अगर, तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से वहाँ के अर्थव्यवस्था उन्नति स्वरूप की झलक मिलती है, वहाँ के जो है अर्थव्यवस्था की उन्नति जो ग्रोथ जो था उसकी झलक मिलती है, जिससे निम्न बिंदु द्वारा समझाया जा सकता है। हम लोग मेन पॉइंट को देखेंगे कि वहाँ का जो आखिर आर्थिक जीवन था वो कैसे समृद्ध था ठीक है। तो देखिए वहाँ के लोग कृषि करते थे है ना, खेतीबाड़ी की लोग जो है वहाँ के करते थे, तो इससे ये पता चलता है कि सभी लोग जो वहाँ का यानी खेती बाड़ी पर ही जो है निर्भर रहते थे, कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार था है ना। जैसे अपना इंडिया का भी आपको पता है कि कृषि क्या रीढ़ है ना अर्थव्यवस्था का, तो इसी तरह क्या है मूल आधार थी खेतों की उर्वरक क्या था उर्वरकता के कारण यहाँ के अनाज की जो है कमी नहीं थी, यहाँ अनाज की कमी नहीं था, और ये शायद पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है ये मतलब कृषि ही जो है क्या था मेन आधार था सभी का ठीक है जीवन यापन करने का, या मतलब जो इकोनॉमिक का सोर्स जो था आर्थिक का है ना आर्थिक मदद का, तो एक बहुत बड़ा यानी कृषि जो है बहुत बड़ा इसमें सोर्स था। दूसरा क्या था पशुपालन, वहाँ के लोग पशु भी पालते थे है ना, तो ये भी एक जो है क्या था यानी ये भी एक इकोनॉमिक्स का सोर्स था। कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था, यहाँ प्राप्त मुद्राओं पर जो है अंकित बैलों से विदित होता है कि ये यहाँ दो प्रकार के बैल थे, एक कुबर बड़े सिंह वाले एवं बिना कुबर वाले छोटे सिंह वाले गाय हैं हाँ वाले गाय बैल भेड़ कुत्ती हाथी सुअर गधा एवं ऊंट के प्रमुख यानी पालतू जानवर थे। ये सभी चीजों के बारे में आपको जो दिख रहा होगा ये कुबर वाले बैल थे और बिना कुबर वाले बैल थे, तो वहाँ के लोग जो है इन सभी जानवरों को भी पालते थे है ना। चलिए तो ये भी एक क्या था आधार था है ना या आर्थिक सोर्स था। उसके बाद तीसरा क्या था शिल्प एवं तथा उद्योग है ना, शिल्प तथा उद्योग एवं धंधे भी जो है वहाँ के लोग क्या करते थे अवशेष से पता चलता है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त विविध प्रकार के शिल्प एवं उद्योग धंधे की प्राप्ति भी जो हड़प्पा संस्कृति के लोग
का स्पष्ट रुझान दृष्टिगोचर है। यानी इसका मतलब यह है कि वहाँ के लोग शिल्पकार भी थे, उद्योग भी था उन लोग का, है ना, धंधा वगैरह भी करते थे। ये सारा जो है क्या था वहाँ का, यानी क्या था, आर्थिक का जो है आर्थिक जीवन का सोर्स था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है कि ये चीज आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते बच्चों व्यापार तथा वाणिज्य, है ना, वहाँ के लोग जो है व्यापार यानी व्यवसाय जो है कैसे करते थे, है ना, तो उन सब चीजों को देखेंगे हम लोग। देखिए, कृषि पशुपालन उद्योग धंधे के साथ साथ सैंधव निवासियों की व्यापार तथा वाणिज्य भी जो है काफी रुचि थी। वहाँ के लोगों का जो है ये व्यापार में भी काफी रुचि था, है ना। जैसे यहाँ देखा बताया गया है कि निवासियों के व्यापार तथा वाणिज्य का भी काफी रुचि था। उनके जो आंतरिक एवं बाहर दोनों व्यापार काफी उन्नत थे। यानी वहाँ के लोग जो है आंतरिक, यानी जैसे कि अपने भारत में यानी आंतरिक व्यवहार मतलब व्यापार किसको कहा जाता है, यानी अपने अंतर यानी अपने राष्ट्र के अंदर, यानी अपने राष्ट्र के अंदर व्यापार करना ये आंतरिक व्यापार कहलाएगा। अगर हम लोग बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। ओके, तो चलिए, तो दोनों करते थे। उसके बाद देखा जाए अगर दूसरा पॉइंट, सैंधव वासी तौल के लिए जो है विभिन्न बाटों का प्रयोग करते थे। यानी माप तौल के लिए उसके लिए कुछ बाट का प्रयोग करते थे, जो जिसमें क्या था, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात होते थे। सबसे छोटा 1 होता था और सबसे बड़ा बाट जो होता था वो 64 का होता था। ओके, यहाँ भी आपको क्लियर हो गया, डाउट कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, ये सोना का जो अवशेष कहाँ से लोग जो है, वहाँ के हड़प्पावासी लोग जो है सोना जो है कहाँ से लेके आते थे, है ना, तो अफगानिस्तान से सोना लेके आते होंगे, फारस, दक्षिण भारत, कोलारखान। अब चांदी जो है, चांदी ईरान से अफगानिस्तान से जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे। एंड ये बलूचिस्तान से जो है क्या तांबा, एंड अरब से खेती, ये सारा चीज जो है ये तांबा वहीं से मंगाते थे। अब क्या लाजवर्द यानी जिसको नील रतन कहते हैं, ये बदखाशा जो अफगानिस्तान में मिलता था, ठीक है, और सीसा जो ईरान अफगानिस्तान से लाते होंगे, जलखड़ी जो है पत्थर, ठीक है, ये कहाँ से, बलूचिस्तान राजस्थान से, ठीक है, सुलेमानी पत्थर ये जो है सौराष्ट्र पश्चिम भारत से। ओके, तो ये सारा जो है क्या था, यानी वहाँ के लोगों का जो वाणिज्य व्यापार था, वाणिज्य व्यापार ही करते थे, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा चीजें लाते थे, ये सारा चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग बात करते, तो ये हड़प्पा सभ्यता था आखिर 5000 साल पहले इतना बड़ा डेवलप बड़ा सभ्यता था, लेकिन अचानक ये कैसे खत्म हो गया था, यानी इसका पतन कैसे हुआ, इनके बारे में हम लोग पहले जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, है ना, तो देखिए अब हड़प्पा सभ्यता का यानी जो है नगरों का पतन कैसे हुआ। देखिए, सर्वश्री यानी मार्शल के मौके, यानी जो वैज्ञानिक थे सर्वश्री मार्शल एवं मैके एवं आर एस राव, हड़प्पा सभ्यता के पतन एकमात्र कारण नदी की जो है नदी की बताती है। क्योंकि आपको देखिए नदी का इसलिए बताता है क्योंकि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता जो है किसमें फैला हुआ था, एक नदी के किनारे फैली हुई थी, सिंधु नदी के किनारे। तो लोग वहाँ के लोग जो अनुमान लगाते हैं कि काफी बाढ़ आया होगा जिससे जो वहाँ के मतलब क्या सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा, है ना, सब एकदम पूरा डुबा दिया होगा उसको। तो लोग जो अनुमान लगाते हैं कि वहां से बाढ़ के वजह से जो हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है। चलिए, पहला, दूसरा, मैके मोधे को जो है चंद्रोदर से बाढ़ के साक्ष्य मिले थे। तो इसे बाढ़ का साक्ष्य मिला था तो कहीं बोले जो आपको तो बाढ़ का साक्ष्य मिला होगा तो ये तो क्या होगा, यानी उससे खत्म हुआ होगा, नष्ट हो गया होगा। नदी के तट पर बसे होते हुए जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जो बताया अभी मैंने, क्योंकि वहां से खुदाई से ये पता चलता है, ये साक्ष्य पता चलता है और उस साक्ष्य के अनुसार जो है अनुमान लगाया जाता है। ये कोई सारा चीज जो है परफेक्टली नहीं है, ये सारे अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, आर्यनस्टाइन एंड घोष आदि विद्वान जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण मानते हैं। तो एम आर चाहनी जैसे भूतत्व वैज्ञानिक, है ना, जल पलवान को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं, ठीक है। जलवायु को भी कुछ लोग जो है क्या मानते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन नष्ट मानते हैं, है ना, इसकी वजह से हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एंड साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में कितना डेवलप था, इसके अनुमान अनुसार हम लोग देखेंगे वहाँ के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में के माध्यम से भी जो है क्या थे, डेवलप थे कुछ ना कुछ, जैसे कि उनकी चीजों से जो साक्ष्य से पता चलता है। तो हम देखेंगे कौन कौन सा चीजें हैं। देखिए, तकनीकी एवं प्रगति के हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं कि वहाँ के लोग जो है तकनीकी भी जो है लोग का टेक्नोलॉजी भी का भी डेवलप थोड़ा सा था, क्योंकि वहाँ के लिपि जो था यानी सिंधु सभ्यता में निवासियों का एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। वो ऐसा लिपि था जिसको कोई भी अभी तक आज तक नहीं पढ़ पाया, है ना, वो चित्रात्मक क्या था, लिपि था। देखिए, लिपि था, धातु कर्म है। सिंधु सभ्यता के चार प्रमुख स्थल लोथल, कठियावाड़ा, तांबा एवं कांसी के कुछ वस्तुएं मिली, है ना। वहाँ के लोग जो क्या थे, इन सब चीजों से यानी ये सब चीजों का भी जो मतलब अवशेष मिला लगा कि हाँ वहाँ के लोग भी जो है
क्या थे, यानी डेवलप थे इन चीजों में। उसके बाद वाहन यानी जो है गाड़ी का भी जो है अवशेष मिला। मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला, यानी मोहनजोदड़ो से क्या मिला, बैलगाड़ी का खिलौना मिला। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लोग जो वहाँ के लोग जानते थे, है ना, जो आने जाने के लिए जो है क्या बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करता होगा, या सामान ढोने के लिए भी। उस टाइप आज से 5000 साल पहले इस तरह का डेवलप था, आप समझ सकते हैं, है ना। इस बात को द्योतक है कि लोग आवागम अथवा मालवाहक यानी माल ढोने के लिए उपयोग में वाहन का तकनीकी किसे परिचित थे, यानी वाहन वाहन के माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो है परिचित थे, है ना। उसके बाद क्या था, गोदियम नौका, यानी वहां का नौका के भी अवशेष मिला है, है ना, जो सारा चीज यहाँ दी हुई है। ओके चलिए, माप तोल की भी तकनीकी का ज्ञान था उन लोग को, जैसे कि बाट का भी उन लोगों क्या था, बाट का, यानी माप तोलने के लिए जो बाट का है जो अवशेष मिला। ओके देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल की तकनीकी से परिचित थे। एंड नगर नियोजन, अब हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन की अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो को नगर नियोजन एक अनुसार निर्मित था, है ना, एक योजनाबद्ध तरीका से जो है हड़प्पा सभ्यता को बनाया गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, चिकित्सा का ज्ञान वहां के लोगों को क्या चिकित्सा का ज्ञान था, बिल्कुल था। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्वों से मोहनजोदड़ो से क्या था, यानी शिलाजीत का टुकड़ा मिला था। जब शिलाजीत का टुकड़ा समझ रहे हैं तो वहाँ के लोग जो है मतलब अगर बीमार उमार पड़ते होंगे या कुछ वहाँ दवा वगैरह दवाई का भी इस्तेमाल किया करता होगा, क्योंकि जब शिलाजीत का इस्तेमाल करता होगा तो लोग जो अपने हेल्थ के लिए तो कुछ ना कुछ जरूर इस्तेमाल किया करता होगा, तो इस तरह अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, हड़प्पावासी द्वारा सिंचाई, यानी जो वहाँ के लोग जो थे, यानी जब खेती कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो वहाँ के लोग किस तरह जो है खेती खेती में पानी देते थे, तो वहाँ के लोग जो है ना सिंचाई से भी परिचित थे। सिंचाई के लिए उन लोग जो है किसका इस्तेमाल करते थे, कुआं का इस्तेमाल करते थे, नहर का करते थे, ठीक है, इन सब चीजों का जो है इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है इसको। देखिए, हड़प्पा आपको ऑब्जेक्टिव में यानी एमसीक्यू में जो आपका क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता किस चीज का सभ्यता है, ये कांस्य युग का सभ्यता है, ये आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो है ना इसमें जो ये चैप्टर में जितने सारे मेन मेन मोटा मोटा चीजें थी आप लोग का एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट था, जो देखिए हम बहुत सारी चीजें जो इसमें स्किप कर दिए, जो जो इम्पोर्टेंट नहीं उसको नहीं लिए, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था हम उन चीजों को आपको जो है समझाने का प्रयास किए हैं पूरी तरह से। बच्चों अगर देखिए आप लोग, बहुत सारे बच्चे का तैयारी नहीं हो पाया, बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर हम तैयारी कैसे करें, तो देखिए आपके साथ बोर्ड एग्जाम स्टडी है, हम लोग कई सालों से लगातार जो है टॉपर दिए हैं, तो आप लोग भी अगर अच्छा बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं, आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए। हम लोग एक नए बैच स्टार्ट किए जिसका नाम क्या है, टॉपर बैच, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधा दी जाएगी, जैसे कि डेली के लाइव क्लासेस मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, वीकली आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा, मंथली टेस्ट लिया जाता है, चैप्टर वाइज आपका जो है क्विज टेस्ट होगा, एंड ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, प्रैक्टिस दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन सारा आपको जो है यहाँ से मिलने वाले हैं, है ना। उसके बाद आपको जो है एग्जाम टाइम में स्पेशल टिप्स दिया जाएगा कि आप कॉपी कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम में आप जो है अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ से सारी जानकारी दी जाएगी। ओके, आप हमें कभी भी कॉल मैसेज या पूछ सकते हैं अपना डाउट, वो सारा आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इस कोर्स में अगर जुड़ना चाहते हैं, इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोर्स का नाम क्या है, टॉपर बैच। तो इस बैच से ज्वाइन करने से पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो बोर्ड एग्जाम स्टडी का ऐप है जो यहाँ आपको दिया हुआ है ना, बोर्ड एग्जाम स्टडी को ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। देखिए अभी तो हम लोग इस कोर्स का प्राइस जो है 1999 है, लेकिन अभी जो 100 बच्चों तक, कितना बच्चों तक, 100 बच्चों तक हम लोग रखे हैं क्या, जब 100 बच्चा अगर एडमिशन हो जाएंगे तो 100 बच्चों के बाद जो है इसका प्राइस फिर 1999 हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको 999 रुपये में पूरा कोर्स हम लोग कम्प्लीट दे रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका जो भी सब्जेक्ट है, ATC जो भी रहेंगे, ये सारा सब्जेक्ट की सुविधा आपको दी जाएगी मात्र 999 में। देखिए अगर आप कहीं भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो आपके पास बहुत सारा अमाउंट लेता है। ऑफलाइन में आपको प्रत्येक माह पर जो है 500 से 600 रुपया पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको पूरा कोर्स हम लोग कम्प्लीट करवाएंगे 999 रुपया में, एक बेहतर रिजल्ट के साथ, विथ हम लोग नोट्स देंगे, ये सारे चीजें की आपको जो है सुविधा मिलने वाला है, आपको किताब वगैरह भी लेने की जरूरत नहीं है, सारा हम लोग जो है प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लेना चाहेंगे तो आप यहाँ से पेमेंट करेंगे, जाइएगा ऐप डाउनलोड कीजिएगा और पैड एक पैड वाला सेक्शन में जाना है और वहां के जाकर के आपको जो है किस बैच को, टॉपर बैच को जो है परचेस करना है। अगर वहां से आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, है ना, जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे कॉल कीजिए, कॉल या मैसेज करके आप हमें हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो है
हम खुद मेरे द्वारा खुद से आपको जोड़ दिया जाएगा, या आप फोन पे या गूगल पे पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके आप जो है स्क्रीन शॉट लेकर के इसी नंबर पे आपको भेज देना है। जो नंबर यहाँ दिया हुआ है इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, ये वही नंबर जो दिया हुआ है आपका यहाँ इसी नंबर पे आपको सेंड कर देना है। ओके, तो कोई भी जो आपको यानी दिक्कत नहीं होगा। अगर वहां से अगर सक्षम नहीं है अगर आप पेमेंट करने में, तो आप जो है ना अकाउंट के माध्यम से भी जो आप पेमेंट कर सकते हैं जो दिया हुआ है यहाँ सुविधा है ना। चलिए, तो उम्मीद है बच्चों कि ये चीजें आपको समझ में आ गया है। और आप लोग से मेरी एक छोटी सी विनती है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।